जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे और इस पहले पेज की स्कैनिंग बहुत अच्छी नहीं है, इस पे गुज़ारा कीजिएगा आप अपनी बुक से। अगर किसी को ना पता चले तो वह नॉर्मली पढ़ा तो जाता है, लेकिन फिर भी तो वहाँ से देख लीजिएगा। सो बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन टू यू कैन से फैक्टर। वन इज़ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर्स, दे फॉर्म द हारमोन्स, दे फॉर्म अदर केमिकल्स विच डिवेल्प द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। एंड सेकेंड इज द एनवायरमेंट फ्रॉम विच द एनिमल्स गॉट द फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर यू कैन से ऑक्सीजन, मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, सो पहली बात, सपोज़ अगर हम कहते हैं कि एक एनिमल जो है वो चलना सीखता है, बिहेवियर है, तो उसके लिए पहली बात तो ये कि लिम्स होने चाहिए, जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उसके बढ़ने के लिए उसके पास फूड होना चाहिए जो एनवायरनमेंट से आता है, ऑक्सीजन होना चाहिए जो एनवायरनमेंट से आता है, एंड मैनी अदर थिंग्स। सेकेंड थिंग इज़ द मेच्योरेशन बिहेवियर। समटाइम ऐसा होता है कि जो बिहेवियर है शुरू में उतना मेच्योर नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर जो बिहेवियर है वो मेच्योर होता जाता है। ब्रेन जैसे किसी भी एनिमल का विद द टाइम एक मेच्योरिटी लेवल अख्तियार करता है, और उसके बाद फिर बिहेवियर जो है वो मेच्योर होता है। इसी तरीके से जो उसने एग्जांपल दी है वो ये दी है कि टेडपोल जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ द फ्रॉग जो है वो एग के अंदर ही उसकी टेल मूवमेंट शुरू हो जाती है, और वो ऐसे फील करता है जैसे वो किसी पूल के अंदर स्विम कर रहा है, लेकिन साथ में उसको जो है वो क्या करता है कि अपनी टेल की मूवमेंट को बेहतर करता रहता है। और एक टाइम आता है वेल द टाइम इट हैच फ्रॉम द एग, ये इसकी टेल मूवमेंट जो है इतनी यू कैन से कोऑर्डिनेटेड हो चुकी होती है कि ये आराम से स्विम करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं कि उसने मेच्योरिटी लेवल जो है वो अटेन कर लिया। इंस्टिंक्ट लर्निंग इंटरेक्शंस, द इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट एंड द चेंज ऑफ द बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। दो तरह का बिहेवियर है, वन इज द इंस्टिंक्ट एंड अदर इज द लर्निंग। इंस्टिंक्ट वो है जो हमारे जीन्स के अंदर है हमारे, उसके लिए देखें आप बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो आफ्टर बर्थ वो चलना शुरू कर देते हैं, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, सकलिंग शुरू कर देते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं, वो लर्निंग करते कहीं से, दैट इज़ इंस्टिंक्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। कोई ना कोई साउंड निकालना शुरू कर देंगे। बट बहुत सारे ऐसे जो यू कैन से बिहेवियर हैं जो लर्न किए जाते हैं। सम आर इंस्टिंक्ट विच आर इन द जीन एंड सम आर यू कैन से लर्न बाई एक्सपीरियंस। एंड फ्रेंकली जो लर्न बिहेवियर हैं वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स हैं किसी न किसी तरीके से, तो सिर्फ उनकी मेच्योरेशन है या उनकी डिवेलपमेंट होती है। सो मैनी बिहेवियर साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट बोथ इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग आर इम्पॉर्टेंट इन द एनिमल बिहेवियर एंड द इंट्रैक्शन ऑफ द इनहेरिटेड एंड लर्न कंपोनेंट्स डिवेल्प नंबर ऑफ बिहेवियर पैटर्न। उसने जो एग्ज़ाम्पल दी है वो यंग बॉब कैट की है, और उसने ये कहा है कि इसको अगर आइसोलेशन में हम पालेंगे तो होगा क्या कि ये इसको शिकार करना नहीं आएगा क्योंकि सीखेगी नहीं, और अगर हम कोई माइस इसके केज के अंदर रखते भी हैं तो उसके साथ खेलना शुरू कर देगी और उसको प्रॉपरली उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी। लेकिन जैसे जैसे वो लर्न करती जाएगी तो फिर उसे पता चलेगा कि कहाँ से इसको नेक से पकड़ना है और किस तरह इसको किल करना है। ये चीज़ आपने अक्सर जो हाउस कैट्स होती हैं, जो स्ट्रीट कैट्स हैं, उनको भी देखा होगा। ख़ास तौर पे जो पेट कैट्स होती हैं वो समटाइम अगर कहीं किसी एनिमल के साथ वो पे हमला करने की भी कोशिश करती हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना, तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। एक और जो एग्ज़ाम्पल उसने दी है वो नट क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ स्कल्स की है, एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग दोनों।
स्कर्ल्स क्या करती हैं कि ना एंड प्राय जो नट होता है उसको वो ग्राइंड करती हैं एक साइड से और ज़मीन के ऊपर फेंकती हैं। आपने अखरोट अपने जेहन के अंदर रखे, उसके ऊपर एक फर्रो बनी हुई होती है, उसको ग्राइंड करती हैं ज़मीन के ऊपर, फर्रो को ऐसे फेंकते हैं ताकि वो क्रैक हो जाए। और शुरू में जो इन एक्सपीरियंस होते हैं एनिमल्स या स्क्वेल्स, वो ये ख्याल नहीं करती कि किस तरफ से ज़मीन के ऊपर फेंकना है, वो ऐसे ही अखरोट को ज़मीन के ऊपर फेंक देती हैं और वो ना तो क्रैक होता है, क्रैक होता तो प्रॉपरली टूटता नहीं है। और जो एक्सपीरियंस होती है वो ख़ास साइड से ज़मीन के ऊपर फेंकती हैं जहाँ से क्रैक आ जाता है और अपना जो वो टीथ हैं वहाँ डाल के तो उसको क्रैक कर देते हैं, खोल देते। ये अक्सर जब आप बादाम या अखरोट तोड़ते हैं तो आप देखेंगे उसको आप फर्रों के रुख रखते हैं और उसके ऊपर आप जो है वो चोट लगाते हैं। जो इन एक्सपीरियंस होते हैं या डम या डमीज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो ब्रॉडर साइड है उसको रख के तो ऊपर जैसे ही थोड़ी मारते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसमें वो ओपन नहीं होता बल्कि उसका वो कचूमर बन जाता है, ये आपने देखा होगा। इम्प्रिंटिंग है द अटैचमेंट ऑफ द यंग एनिमल टूवर्ड्स अनदर एनिमल और द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। ये एक्सपीरियंस आपने बहुत कुछ ये देखी हुई, कल परसों मैंने एक वीडियो भी चेक की हुई थी कि एक छोटी चौकी तो वो बतख के बच्चे उसके पीछे 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 जाते हैं और इधर उधर बड़ी वो लोगों ने पसंद की थी, मैं अपने फेसबुक पेज पे लगाई थी, क्योंकि यहाँ ज़रा मुश्किल होता है आराम के साथ। एक साइंटिस्ट था कॉनरेड लॉरेंस, उसने क्या किया था कि गीज जो ये बड़ी बतखें होती हैं उनके बच्चों को अपने पीछे लगा लिया था। और ये बहुत शुरू में होता है, वो जैसे हैच होते हैं बच्चे तो उस वक्त आप उनको अपने साथ अटैच कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और वही आपको ही अपनी वो मदर समझना शुरू कर देते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी एनिमल के साथ वो अटैच हो सकते हैं और फिर उसके पीछे पीछे फिरते हैं और उसी को अपनी प्रोटेक्शन का ज़रिया भी समझते हैं। ये पिक्चर जो है ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको जब मैं इसको रेंडर करूँ तो एक दो साथ में लगा दूँ या शायद नीचे हो भी। ही अलाउड द गीज़ टू इम्प्रिंट ऑन हिम एंड द गूज़लिंग्स, छोटी जो उसके बच्चे हैं गूज़ के, उसको फॉलोड हिम लाइक देयर मदर। इम्प्रिंटिंग अकर इन मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड दे यंग फॉलो पेरेंट्स सून आफ्टर बर्थ, दे रिकग्नाइज देयर पेरेंट्स बाई इम्प्रिंटिंग एंड देन पेरेंट्स लीड्स दैम टू द नेस्ट ऑफ द वाटर। बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज एंड द सिग्नल्स आर इम्पॉर्टेंट इन इम्प्रिंटिंग सिस्टम। तो ये आपने बहुत सारे ये देखा होगा कि रोड्स को क्रॉस करते हुए जो मदर डक है वो आगे आगे होती है और पीछे जो उसके डकलिंग्स हैं वो जा रही होती हैं। हैन को देखा होगा, उसके जो चिकन्स हैं वो पीछे पीछे जा रहे होते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो बर्ड्स के अंदर ये इम्प्रिंटिंग ज़्यादा है और उनको आप जैसे ही वो हैच होते हैं तो अपने पीछे भी लगा सकते हैं और इट मस्ट बी ए ग्रेट फन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और ये सिलसिला चलता रहेगा।